तो आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वैल्यू फाइंड करने का शॉर्टकट। देखिए, कौन सा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा उसके अंदर जो नंबर होगी उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करने की, ये हम शॉर्टकट तरीके से हम देखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना होगा 2.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है, रियल लाइन पे इधर होगा 2, इधर होगा 3 और इधर होगा 1, तो ये 2.9 किधर आएगी, इधर आएगी। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या है, उसके पीछे का जो इंटीजर वैल्यू होगा वो उसकी वैल्यू होगी। मतलब 2.9 के पीछे का इंटीजर क्या है, 2 है। इसी तरह जब हम एक और निगेटिव नंबर लेंगे -3.5, तो इसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर लाइन का यूज़ हम जब करेंगे, तो निगेटिव नंबर ये हो गए -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4। तो -3.5 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और इसके पीछे का इंटीजर क्या होगा, -4, तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। इसका मतलब है जो पॉजिटिव नंबर होगा उसकी इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नंबर, सिर्फ ये नंबर। और जब निगेटिव नंबर होगा उसकी इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो निगेटिव नंबर है उसके आगे का नंबर। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम 3.2 की इंटीजर वैल्यू फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली 3। और जब -3.2 ये वैल्यू हम लेंगे तो इसकी इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, इसके आगे का नंबर माइनस में, मतलब क्या आ जाएगा, 4। इस तरह हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसी भी नंबर की फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एक और फंक्शन हमें देखना है, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो नंबर माइनस उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल हमें जब निकालना होता है 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम क्या आ जाएगा, ये नंबर लेंगे हम 3.2 माइनस उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे, तो ये 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट, ये पॉजिटिव नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 3। और 3.2 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.2। सिमिलरली एक निगेटिव नंबर जब हम लेंगे -3.6, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नंबर माइनस उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3.6 इज इक्वल टू -3.6 माइनस इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निगेटिव, इसके आगे का नंबर निगेटिव में, मतलब वो क्या आ जाएगा, -4। तो ये आ जाएगा -3.6 +4 हो जाएगा ये, और इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.4। मतलब इसमें से हमें ध्यान में क्या आता है, जब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम 3.2, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव नंबर होगा तो उसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पॉइंट के आगे का जो डिजिट है वो, मतलब 0.2 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल 4.6, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके पॉइंट के पीछे आगे का जो नंबर है 0.6 आ जाएगा। जब हम निगेटिव नंबर लेंगे -3.6, तो इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट के आगे का जो पार्ट है, मतलब वो कंप्लीट करने के लिए कितना रह जाता है, 4, मतलब ये आ जाएगा 0.4। एक और एग्जांपल -11.2
टू का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, तो इसे 10 कंप्लीट करने के लिए कितना बचेगा, तो 8, मतलब ये आ जाएगा 0.8। इस प्रकार हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करने की, यह हमने देख लिया है। थैंक यू।